हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ओके, सो वेलकम टू माय चैनल, टेक इट फ्रॉम मी। कुछ अच्छा ही देने की कोशिश करूँगी जब दूँगी, राइट। तो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको लेकर के चले थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। तो उसमें अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले आपको डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो में आपको स्टॉक एंड फ्लोज इसके बारे में कुछ बताएंगे। जैसे हमने कुछ लिखा के रखा हुआ है स्टॉक, तो ये तो आप तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, इतना पता ही होगा स्टॉक क्या चीज़ होती है। जो लिखा है उसको हम डिस्क्राइब कर दें आपको। दिस इज़ ए क्वान्टिटी मेजर्ड ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है वो हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। समझ गए आप मेरी बात को। स्टॉक क्या होगा, एक क्वांटिटी किसी भी इकोनॉमिक में, किसी भी इकोनॉमिक वैल्यू में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना, जो भी हमारे पास सामान रखाया हुआ होगा स्पेशल टाइम पर, है ना, वो हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। किसी भी दिन, जैसे आप, जैसे 31 मार्च हमारा क्लोजिंग होता है, उस डेट पर अगर हम मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ, तो उसे हम टोटल लगाएंगे तो वो हमारा स्टॉक हो, ठीक है, स्टॉक हो जाता है। फ्लो और बता दें, फिर हम दोनों का कंपैरिजन कर देंगे तो क्लियर हो जाता है। फ्लो क्या होता है, जैसे इसके नाम से क्लियर है, फ्लो बहना। तो ये क्वान्टिटी मेज़र करेंगे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, है ना, स्पेसिफाइड होगा मतलब टाइम तो बता रखा होगा, लेकिन जैसे जैसे ग्रामर का एक रूल है ना, सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है ना, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे हम, यही बता देते हैं। एक सिंस होता है और एक फॉर होता है ना, दोनों ही टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फॉर टाइम के लिए होगा लेकिन वो अनसर्टेन होगा, जैसे डे, कोई भी डे से, है ना। लेकिन अगर हम डे को हमने संडे मंडे में चेंज कर दिया तो उसमें हमने सिंस का यूज़ कर लिया, क्योंकि वो क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया संडे, और ये हो गया डे, ये स्पेसिफाइड हो गया, बस इतना ही अंतर है इन दोनों में, है ना। ये क्या लिखा, वो स्पेसिफाइड पीरियड होता है, यानी कि कोई भी डे, कोई भी वीक, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर, पूरे ईयर में, और ये होगा एक स्पेशल टाइम बता दिया जाएगा कि हाँ यही है, ये उस पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी हमने क्वांटिटी को मेजर, क्वांटिटी मेजर इसमें भी की जाएगी, क्वांटिटी मेजर इसमें भी की जाएगी, इसमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर की जा रही होगी, और इसमें स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक साल में, माना हम ये कहें कि एक साल का स्टॉक पूरा फ्लो में आ जाएगा, आज का स्टॉक स्टॉक में आ जाएगा, समझ आ गई, इतना अंतर हो जाता है इन दोनों में, है ना। ऐसे ये से हमने बनाया हुआ है आपका, जैसे माना एक ही वाटर टैंक है, है ना, वाटर टैंक है हमारा पूरा, और हमने वाटर टैंक में हमने पानी भरना स्टार्ट किया, वाटर टैंक है, वाटर टैंक में पानी भरना स्टार्ट किया, पानी भर गया, स्टॉक बन गया, अभी हमने देखा पानी पूरा कंप्लीट हो गया, पानी अब इसमें से निकलना स्टार्ट हो गया, फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपने विड्रॉ, आपने डिपॉजिट किया मनी बैंक में, बैंक में मनी इकट्ठा हो गया प्रॉपर, आज की डेट में हमने बैंक में देखा तो बैंक में कितने रुपए थे, 3 लाख स्टॉक है आज की डेट में, क्योंकि चेक किया है ना हमने, और जब हमने उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया तो वो हमारा क्या हो गया, वो फ्लो हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया था, जब हमने उसको डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट करते करते वो हमारा क्या बन गया, स्टॉक बन गया, और जब हमने उसको विड्रॉ करना स्टार्ट किया तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा फ्लो हो गया। जैसे हमने स्टॉक और फ्लो के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें क्लियर करने के लिए लिखे, क्योंकि ये पेपर में आता है, स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंसेस बताए। तो जैसे वेल्थ है, ठीक है, हमने इकट्ठा एक बार में चेक कर लिया कितना है, स्टॉक है। कैपिटल हमारी स्टॉक, बैंक डिपॉजिट्स, लेबर फोर्स, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, वाटर इन ओवरहेड टैंक, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी के बीच का डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा, है ना। कोई भी नोट जैसे 100 रुपये का नोट है तो वो हमेशा 100 ही रुपये का रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो जाता है। मशीनरीज हैं, कोई चेंजेस नहीं होते,
स्टॉक हो जाती हैं। इसके कंपैरिजन अब हम समझाएं आपको फ्लो, जैसे इनकम घटती बढ़ती रहती है ना मंथली वाइज, आए कभी किसी महीने कितनी आगे किसी महीने कितनी, एक्सपेंडिचर घटते बढ़ते रहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, कभी 50,000 हो गई कभी 1,00,000 हो गई, चेंजेस हुए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके हिसाब से चेंज हो जाती है, क्योंकि जब जैसे कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, है ना। चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, किसी भी कंट्री के अंदर मनी का सप्लाई बदलता रहता है। इन्वेस्टमेंट्स हमारी इनकम के हिसाब से बदलते रहते हैं। सर्विस ऑफ ए ट्यूटर, जैसे हम आपको दे रहे हैं, है ना, ये भी चेंज होती रहती है ना, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, राइट। लीकेज ऑफ वाटर, भाई अगर हम टैप को पूरा खोल देंगे तो ज़्यादा पानी फ्लो में निकल के आएगा, कम खोलेंगे तो कम निकल के आ रहा होगा। स्पीड ऑफ ए कार, राइट, देखो हमने डिस्टेंस बताया था दो सिटी के बीच का, वो फिक्स रहता है, लेकिन कार की स्पीड तो चेंज हो सकती है ना, है ना, ज़्यादा स्पीड कर देंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना, कम स्पीड करेंगे देर से पहुँचेंगे, पर डिस्टेंस वही रहेगा, जो डिस्टेंस वही रहेगा वो स्टॉप हो गया, लेकिन हमने कार की स्पीड को कम या ज़्यादा किया, डेट इज़ कॉल्ड फ्लो, राइट। और क्या हो गया, किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ अभी वीट या कोई भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन घटता या बढ़ता रहता है, इसलिए ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, है ना। इतने मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल के बाद आपको ये स्टॉक और फ्लो शायद क्लियर हो गया हो। एक बार आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट में, स्टॉक ऑफ फ्लो के बाद अब आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की साइड अब हम चल रहे हैं। ये हम आपको सिखाएंगे फोर सेक्टर्स ऑफ योर इकोनॉमी, सेक्टर्स सिखाएंगे अब हम आपको, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो सेक्टर्स, ये जितने भी हमारी ये जो फर्म्स होती हैं जो प्रोडक्शन का काम करती हैं ना, जो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी काम होता है, वो सब हमारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स होती हैं तो वो हमारे सेक्टर्स होते हैं। ये सेक्टर्स इकोनॉमी के हमारे, हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हमारे चार सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। एक हाउस होल्ड होता है, प्रोड्यूसर दूसरा, तीसरा गवर्नमेंट आ जाता है, और चौथा आ जाता है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। फर्स्ट वन हाउस होल्ड, देन प्रोड्यूसर, देन गवर्नमेंट, और थर्ड लास्ट फोर्थ आ जाता है एक्सटर्नल सेक्टर। अगर हम देखते हैं, है ना, तो ये किसी ना किसी तरीके से ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। समझ आया कैसे डिपेंडेंट है? देखो क्या होता है, इसको जैसे हमने ये बताया ना, ये जो लाइन हम बोल रहे हैं ना कि ये सब आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, इसे कहते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोस। क्या कहते हैं इसको हम? इंटरसेक्टरल फ्लोस, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, और ये सारे एक दूसरे के, समझ गए। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो हमेशा डिपेंड किस पर करता है? प्रोड्यूसर पर, है ना, किसके लिए? कि ये इनको क्या देगा? गुड्स एंड सप्लाई देगा। भाई गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आएंगी हमारे पास? गुड्स एंड सर्विसेज तो हमको कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा कि नहीं देगा? भाई वो प्रोडक्शन करेगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर का हम बता देते हैं, हम आपको हटा देते हैं, बोर्ड पर समझा देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, देखो हाउस होल्ड में कौन, मतलब हम लोग कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर। ये डिपेंड किस पर होता है? हमेशा प्रोड्यूसर पर। किसके लिए? हाँ, किसके लिए, है ना, वो किसके लिए हो जाता है यहाँ पर? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। के लिए, है ना। अब प्रोड्यूसर भी तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, समझ आ गई? प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं ऑल्सो डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये जो दे रहे हैं, प्रोड्यूसर दे रहे हैं, ये लोग खरीदेंगे तो ये इनको क्या देंगे? ये इनको मनी देंगे। समझ आ गई आपको मेरी बात? हाउस होल्ड किसके, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, किस लिए? गुड्स एंड सर्विस के लिए। तो प्रोड्यूसर भी तो इनके ऊपर डिपेंड रहता है, किसके लिए? फैक्टर सर्विसेज के लिए। फैक्टर सर्विसेज मीन्स मनी के लिए, क्योंकि वो जो सप्लाई दे रहा है अगर ये लोग नहीं होंगे तो कौन खरीदेगा? समझ में आ गई आपको मेरी बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर जो जितना भी सेक्टर होता है, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर भी डिपेंड करते हैं, उन पर भी क्यों होते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए,
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर। अब तो जैसे हाउस होल्ड का तो आपको क्लियर हो गया है ना, अब प्रोड्यूसर किस पर डिपेंड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, सारे वर्ल्ड पर, जो फोर्थ वाला हमने इकोनॉमी बता रखी थी उसमें डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, या हम कहते हैं गवर्नमेंट पर भी ये लोग डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन्हीं के इन्हीं के थ्रू तो वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम कर पाते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम, समझ गए। प्रोड्यूसर किस पर डिपेंड करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर और ऑल्सो गवर्नमेंट पर, किसके लिए, क्योंकि वो इसके थ्रू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी होगी, अब गवर्नमेंट इनके ऊपर कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपेंड नहीं होगी तो गवर्नमेंट जो हाउस होल्ड सेक्टर पर भी डिपेंड करती है, किसके लिए, क्योंकि वो उनसे टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू उसको कलेक्ट होता है, किसको, गवर्नमेंट को। क्लियर है मेरी बात, है ना, गवर्नमेंट से हम, ये जितना भी गवर्नमेंट है हमारी, वो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड पर डिपेंड कर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इससे उसको टैक्स रिवेन्यू इजीली मिलता है, समझ आ गई। हम लोग गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हमको गवर्नमेंट देती है, लॉ ऑर्डर डिफेंस देती है, हम उसके लिए उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये चारों जो सेक्टर हमने अभी आपको बताया, ये चारों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर, जैसे हाउसहोल्ड सेक्टर इस पर डिपेंड हो गया तो ये इस पर भी डिपेंड हो गया, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड हो गए तो गवर्नमेंट इस पर भी डिपेंड हो गई और यहाँ पर भी डिपेंड हो गए। क्लियर है, अच्छा, प्रोड्यूसर जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सटर्नल सेक्टर्स पर डिपेंड हो गए, तो एक्सटर्नल सेक्टर भी अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए इन पर डिपेंड हो जाते हैं, समझ आ गई। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इंटरसेक्टरल फ्लोस कहा जाता है, क्योंकि हम किसके लिए, गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई के लिए सारे ही जो ये लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको मेरी शायद क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसमें और एक और चीज़ बताते हैं आपको, अब बताते हैं रियल फ्लोस और मनी फ्लोस, इसी में ही है, समझ रही है, यही चीज़ दोबारा दोबारा आएंगी अभी, इसी बता देते हैं, विजिबल है ना बच्चे। एक होते हैं रियल फ्लोस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि शायद विजिबल नहीं हो पाता है इस टाइम पे, नेट की प्रॉब्लम चलती। देखो रियल फ्लोस क्या होते हैं, रियल फ्लोस क्या होते हैं और एक मनी फ्लोस होते हैं। रियल फ्लोस जितने भी गुड्स और सर्विसेज इन सेक्टर्स में घूमती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं, रियल फ्लोस होती हैं। क्लियर है मेरी बात, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख दें हम बड़ा बड़ा सा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मनी फ्लोस पर, तो फ्लो ऑफ यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जगह सिर्फ मनी आ जाए, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ मनी अमॉन्ग डिफरेंट सर्विसेज, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो मनी फ्लोस हो जाता है, सही है, है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में अगर हम देखा जाए तो रेसिप्रोकल हैं बिल्कुल एक दूसरे के, क्योंकि जब मनी यूज़ किया जाता है तो हमारे पास गुड्स आएंगे और गुड्स जब आएंगे तो हमारे पास मनी चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात, इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे रियल फ्लोस और मनी फ्लोस। इतनी बात शायद मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। ठीक है, रियल फ्लोस और मनी फ्लोस, एक हम आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के और दिखा दें और क्लियर हो जाएगा। हालांकि नीड नहीं है, मुझे पता है कि बच्चे अच्छे हैं, समझ जाते हैं बात को, लेकिन फिर भी एक बार बता दें। देख, हम एक छोटा सा बनाते हैं आपको, बनाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स, दिख रहा है ना बच्चे, ये प्रोड्यूसर है हमारे, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम ये हाउस होल्ड। क्लियर है ना, अब हाउस होल्ड इनको क्या देते हैं, देखो हाउस होल्ड इनको क्या देते हैं, यहाँ से ये इनको देंगे गुड्स एंड सर्विसेज, हम गुड्स एंड सर्विसेज को जी और एस लिख देते हैं,
गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया हमारा रियल फ्लोस। अभी हमने बताया ना ये रियल होता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या दे रहे होंगे, ये कंजप्शन कर रहे होंगे ना इसका, ये कंजप्शन कर रहे होंगे ना, तो डेफिनेटली क्या आ रहा होगा, मनी फ्लो हो रहा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही आएगा ना। ये कौन सा मार्केट हो जाता है, हमने बताया था दो मार्केट के बारे में डिस्कशन हुआ था, ये हमारा हो गया फैक्टर मार्केट। सामान का जहाँ लेना देना होगा फैक्टर मार्केट होगा, सही है ना। अच्छा अब एक और तरीके से देखें हम इसको, फिर चलते हैं है ना। फैक्टर सर्विसेज और भी देते हैं ये लोग, इनको कौन कौन सी देते हैं, जैसे एक को हमने इससे पहले भी देखा था, हाउस होल्ड इनको देता है, क्या देता है, जैसे लैंड है, लेबर है, ठीक है, कैपिटल है, खाली गुड्स एंड सर्विसेज ही ये इसको नहीं देते बल्कि ये भी देते हैं है ना। हाउस होल्ड भी दे रहे हैं इनको, क्या दे रहे हैं, लैंड है, लेबर दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं लोगों को है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। सभी सब ये किस में आ रहा है, सब ये रियल फ्लोज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके बदले ये इनको क्या दे देते हैं, ये देखो, तो ये इनको देते हैं इसके बदले। देखो लेबर आया तो इसका मतलब ये इनको रेंट पेड करेंगे, वेजेस पेड करेंगे, अगर इन्होंने कैपिटल लगाया है इसका मतलब ये इनको इंटरेस्ट भी पेड करेंगे है ना, और प्रॉफिट भी देंगे, राइट है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मनी फ्लो हो गया है ना भाई। ये इनको ये फैसिलिटी देगा तो ये फिर इनको ये फैसिलिटी दे दे, समझ में आ गई। मनी और रियल फ्लो का ये डायग्राम आप इसमें अपनी बुक में बना सकते हैं, को पेपर में भी बना सकते हैं। इससे पहले भी जो हमने जो चार सेक्टर सिखाए थे, चार सेक्टर का आपस में जो इंटरडिपेंडेंस बनाया है, इसके भी हम आपको डायग्राम बना करके और इस एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में अगर हम वो चार डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए नहीं बनाया हमने, हम वो बना करके आपको किसी भी वीडियो में और आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यह हो गया आपका मनी एंड रियल फ्लो, यह आ गया आपका, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये जो सेक्टर सर्कुलर फ्लो में रहते हैं ये चार ही होते हैं, तो पता ही हो गया, प्रोडक्शन हो गया, हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गए, ये चार हो गए, क्लियर है मेरी बात। अब तो कुछ इसमें आई थिंक इसमें नहीं रह गया कुछ भी, अब एक और चीज़ इसके अंदर रह करती है ना, सर्कुलर फ्लो। अच्छा एक हाँ सर्कुलर फ्लो हमने ये सीख तो लिया, अब सर्कुलर फ्लो जो है ये हमारा रियल फ्लो मनी फ्लो, इस मतलब ये सिग्निफिकेंसेस इसके, ये जो मॉडल हमने आपको बनाकर दिखा दिया इसके क्या फ़ायदे होते हैं है ना। तो ये भाई इसके सिर्फ सिंपल सी बात है, एक तो हमको इससे पता चल जाता है कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमको नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हो जाता है कि नेशनल इनकम तकरीबन हमारी कितनी होगी, क्योंकि नेशनल इनकम में ये रेंट है, प्रॉफिट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सब उसके अंदर ऐड की जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर कितना इंटरडिपेंडेंट हो रहा है, ये पता चलता है कि इंटरडिपेंडेंसी कितनी है इकोनॉमी के अंदर, क्लियर। आई थिंक आपको मेरी ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी, कितना इंटरडिपेंडेंस और कितनी इससे हमको कितने फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ना ये जो मनी फ्लोज होते हैं वो रियल फ्लोज के भी हमने आपको बताया अपोजिट होते हैं, है ना, क्यों होते हैं, क्योंकि जो मनी फ्लोज होते हैं वो मनी फ्लोज रिस्पॉन्स बाई रियल फ्लोज, जब रियल फ्लोज आएंगे यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी तो मनी फ्लोज जाएगा ही जाएगा हमारे पास से, इसलिए इतना सिंपल सा है, नथिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे, और बस एक छोटा सा और टॉपिक इसके अंदर रह गया, वो टॉपिक हम आपको और क्लियर करना चाहते हैं, एक है लीकेज और एक है इंजेक्शन, उसके बाद ही आपका ये चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाएगा। बस ये एक लास्ट टॉपिक बताने के बाद में फिर हम आपको इसका आपके अगर उसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, नेशनल इनकम। देखो ये लीकेज है और दूसरा आ जाता है हमारा इंजेक्शन, देखो है ना। लीकेज जैसे देखो नाम से क्लियर है, लीकेज मतलब निकलना किसी भी चीज़ का, इसका मतलब विड्रॉल होना है ना। तो सर्कुलर फ्लो में लीकेज को क्या होता है, सर्कुलर फ्लो में जितना भी विड्रॉल किया जाता है वो हमारा लीकेज होता है। लीकेज किसकी वजह से हो सकता है, जैसे लीकेज किसकी वजह से, जैसे टैक्सेस लिए गवर्नमेंट ने, पैसे हमारे पास से चले गए, हमने ज़्यादा सेविंग कर ली तो पैसे हमारे पास मतलब मार्केट में नहीं आएगा,
है ना, तो उधर से चला गया। उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट हो रहा है अगर, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं आएगा इसमें, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट अगर हमने किया है। लीकेज मतलब ही क्या होता है, लीकेज मीन्स पैसों का हमारे पास से निकलना, सीधी सी बात है। इतनी सिंपल लैंग्वेज में मेरी बात को समझ लें। देखो हम इसीलिए हम आपके सामने इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत टिपिकल लैंग्वेज तो आपकी बुक्स में खुद में लिख रही होगी, या बहुत बड़े बड़े जो विद्वान और बहुत बहुत बड़े बड़े लर्नेड और ब्रिलियंट लोग पढ़े हुए हैं वो आपको इतने अच्छी लैंग्वेज में भाई समझा सकते हैं। मेरे पास एक सिंपल सी लैंग्वेज होती है जिससे मुझे लगता है जितना मुझे आता है मैं उतना अपने बच्चों को सिखा सकूँ, इसलिए जितना सिंपल हो सकता है मैं उतनी ही सिंपल लैंग्वेज को अपने वीडियोज़ में यूज़ कर रही हूँ, बस आपको समझ आ जाए मेरी बात, ठीक है बच्चे। इसलिए फॉर्मल मतलब मुझे फॉर्मल नहीं होना भैया आप लोगों के साथ, बस जो मुझे आता है वो मैं बताती जाती हूँ, ठीक है। ये नहीं, मुझे मुझे भी पता है कि मुझे बहुत नहीं आता है, किसी को नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, बस जितना आता है बस हम उतना आपको सिखाते चले जा रहे हैं और सिखा रहे हैं और शायद खुद भी सीख रहे हैं। नॉलेज तो, और ये कैसी चीज़ है, विद्या एक ऐसी चीज़ है जितना हम बांटेंगे उतना शायद वो हमारे पास वापस लौट लौट के आ रहा है। बस इसलिए एक पैशन है पढ़ाने का, इसलिए हम उसमें लगे हुए हैं, तो खुद भी पढ़ रहे हैं और आपको भी पढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली चिल्ड्रन अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या लगता है कि मैंने कहीं गलत पढ़ा है तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे कह सकते हैं बात कि मैम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी और ये आपने गलत पढ़ा है। शायद मुझे बहुत खुशी होगी ये बात अगर मुझे पता चल जाती है कि हाँ ये मैंने गलत पढ़ा है, ठीक है। फिर से समझ लें, टॉपिक पे आ जाते हैं वापस लौट के, है ना, कि ये लीकेज है। लीकेज मतलब क्या होता है, निकलना, इट मीन्स हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो किसी भी, जैसे हम इन्वेस्टमेंट किया, पैसे तो हमारे पास से डेफिनेटली चले चले जाएंगे, लेकिन जो लेकिन इन्वेस्टमेंट को लीकेज में नहीं रखा जाए क्योंकि वो इंजेक्शन के अंदर काम कर जाता है, है ना। तो इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे टैक्सेस ले लिए गवर्नमेंट ने तो हमारे लीकेज हो गया। इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन मतलब क्या होता है, इसमें एडिशन होता है। इंजेक्शन मतलब हम इसमें एडिशन ऐड कर सकते हो, इसको सब्सट्रक्शन ऐड कर सकते हो, सब्सट्रक्शन ऐड कर लो, उसको एडिशन ऐड कर लो। इसमें इन्वेस्टमेंट्स आपने बच्चे, या फिर गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, क्लियर है मेरी बात, और या फिर हम एक्सपोर्ट कर दें तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट कर लेंगे तो पैसे हमारे पास आ जाएंगे, क्लियर है। ये इंजेक्शन्स होते हैं और ये हमारे लीकेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दी, एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं, आपको यहाँ लिख के देते हैं। जैसे इसमें इम्पोर्ट आ जाएगा, मार्कर भी नहीं चल रहा मेरा शायद, और ये हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे इसमें इसमें हम लिख सकते हैं आराम से इन्वेस्टमेंट्स, इसमें हम लिख सकते हैं सेविंग्स, है ना। और हम क्या, इसमें टैक्सेस, हाँ जो टैक्सेस हमसे गवर्नमेंट ले लेती है, और इसमें हमको गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो स्पेंड करती है, गवर्नमेंट स्पेंड, ठीक है। नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, है ना। ये जो आगे का आपको जितना भी फंडामेंटल था हम समझ सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन जितना भी था मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स जो फर्स्ट सेकंड हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम आपको सीधे नेशनल इनकम की साइड लेकर के चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम आपको एक और बात क्लियर यहाँ पर करना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी और भी जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी, है ना, वो जितना हो सकेगा उतना हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। और अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मेरे वीडियोस में चाहे जब मिलता ही रहेगा। ये जो हमने बताया है इतना, ये भी हम आपको सब इसके जो भी जो नोट्स हैं अपने जो पर्सनल हमारे नोट्स बने हुए हैं वो हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करते जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।